हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसे हमारी बासी रोटी बच जाती है, मतलब ठंडी रोटी बच जाती है कोई सी भी, तो हम उन रोटी का किस तरीके से बची हुई रोटी को अच्छे से नए फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोटी जो होती है ठंडी हो जाती है तो रूखी हो जाती है, तो वो हमें खाने में नहीं आ पाती ढंग से, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते ठंडी रोटियाँ। तो इस तरीके से और बची हुई रोटी का आप नए फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसे हमने रोटी बड़ा नाम दिया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगा। ये ब्रेड बड़े का ही एक फॉर्म है, पर उससे डिफरेंट है, क्योंकि ब्रेड बड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा तेल पीता है, क्योंकि ब्रेड जो है ज़्यादा तेल ऑब्जर्व करती है, और ये हम एकदम लिमिटेड तेल में बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपके बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा, और घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है ये नाश्ता। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वीडियो फटाफट से शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, रिलेटिव्स में, ताकि हर कोई सीख सके न्यू रेसिपी जो आपने कभी कहीं देखी नहीं होगी, कभी कहीं खाई नहीं होगी। तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो के अंत में, से लाइक करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए फटाफट से। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और सुझाव हो अगर आपके कुछ तो वो भी बताइएगा, हमारी वीडियो आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल है वो भी बताइए। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या स्पेसिफिक रेसिपी चाहते हो हमारे चैनल के द्वारा, तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखिए, ताकि हम ला सकें आपके लिए, ओके, वो वीडियो को इम्प्रूव कर सकें आपके लिए। तो रोटी वड़ा बनाना बता रही हूँ, इसके लिए हमारी जो ठंडी रोटियाँ बची थी वो है हमारे पास, इसमें स्टफिंग बनाई है हमने, तो स्टफिंग हमने आलू, प्याज और मैगी वगैरह डाल के बनाई है। हमारे पास मैगी भी थी, वो भी ऐड कर दी, तो आप आपके हिसाब से स्टफिंग बना सकते हैं। आलू की बनाई है आप जैसे नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है, आलू मटर, आलू छोले, या फिर आप किसी भी चीज़ की, वेजिटेबल्स की भी स्टफिंग बना सकते हैं, इसमें यूज़ ले सकते हैं। स्टफिंग बनाना हमने नहीं बताया है, क्योंकि अगर स्टफिंग बनाना भी बताते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए स्टफिंग नहीं बताई है हमने इसमें। फिर हमने जो रोटी थी उसको हाफ ऑफ भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया है, तोड़ लिया रोटी को। अब हम बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए हमें बेसन की ज़रूरत है। बेसन में हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग और सोडा, ये सब डाल के अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बना लेंगे, इस तरीके से मिलाते हुए, इसमें गांठे ना पड़े इसलिए अच्छे से इसको मिलाना है चम्मच से। तो इस तरीके का बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, मीडियम एकदम। अब हम तेल गरम होने के लिए रख देते हैं, तेल अच्छा गरम हो जाना चाहिए, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब तेल गरम होता है जब तक हम क्या करेंगे, स्टफिंग भरेंगे। तो रोटी का जो हाफ हिस्सा लिया है हमने, उसमें हमें यहाँ स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग भरने के बाद एक साइड स्टफिंग भरी है, उसके बाद हमें इसे दूसरा जो हिस्सा है उससे कवरअप, उसे स्टफिंग को कवर अप करते हुए फोल्ड कर देंगे। अब हमारा तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अच्छा फ्रेंड्स, अच्छा से गर्म होना चाहिए तेल, अगर ये कम गर्म होगा ना तो आपके जो रोटी वड़ा है वो तेल ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए हमें ध्यान रखना है इस बात का। तेल अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने स्टफिंग में कवर किया था रोटी को, रोटी में स्टफिंग कवर की थी, उसी को डीप करेंगे अच्छे से दोनों साइड से, पूरा ऊपर नीचे और कॉर्नर्स में भी अच्छे से डीप करके बेसन के घोल में, और फिर उसके बाद हम इसे ऐसे ही निकाल के और तलने डाल देंगे, तलेंगे अच्छे से इसको, ब्राउन होने तक तलेंगे। तेल अच्छा गर्म है हमारा, मीडियम का, मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं आप बाद में तेल, और अच्छे से इसको उल्टी पलटी करके, और ताकि ये जल ना जाए, है ना, तेज अगर आँच पे करेंगे आप तो ये जल सकता है, तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे करना है इसको। फिर इस तरीके से ये जो हमारा रोटी वड़ा है ये रेडी हो जाता है। देखिए कितना मस्त लग रहा है दिखने में भी, और खाने में भी उतना ही अमेजिंग है। ब्रेड क्या होती है, ज़्यादा तेल ऑब्जर्व करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल की क्वांटिटी रहती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है आपका, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम तेल की ऑब्जर्वेशन है, इसमें ज़्यादा तेल ऑब्जर्व नहीं करती है, क्योंकि रोटी है इसमें, और खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स ये नाश्ता। आप सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ट्राई कर सकते हैं, और बारिश होती है बारिश के सीज़न में पकोड़े की जगह आप ये भी बना सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारा सेकंड जो होता है वो होता है पापड़ वड़ा। पापड़ वड़ा बनाने के लिए हमने मूंग की दाल का पापड़ लिया है, मार्केट का है ये, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं और घर पर बना सकते हैं, आपकी चॉइस है।
बैटर वही है हमारा जैसा हमने बनाया था बेसन का। अब इसमें हमने चारों तरफ से इसे फोल्ड कर दिया है पापड़ को, और इसमें पूरा अच्छे से डीप करेंगे, इस तरीके से पूरा डीप करेंगे बेसन में हम पापड़ को। पूरा डीप करने के बाद इसे भी तलने के लिए डाल देंगे तेल में। इसे भी उल्टी पलटी करते हुए अच्छे से मीडियम फ्लेम कर देनी है, मतलब जब हम स्टार्टिंग में करेंगे जब तेज़ फ्लेम रखना है हमको, और फिर उसके बाद हमें मीडियम कर देना है। तो इस तरीके से उल्टी पलटी करते हुए अच्छा ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए ये भी ब्राउन हो चुका है, और कितना यम्मी लग रहा है पापड़ वड़ा, ये भी बहुत अमेजिंग है और आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो को देखकर आप बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस तरीके से हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ यहाँ कमेंट करा करो, आप लोग कमेंट कर देना तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितना आप शेयर करोगे ना, उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ाना चाहिए सबका, तो इसीलिए प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमारा सपोर्ट करिए और इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।